गुड इवनिंग एवरीबडी एंड अपॉलॉजीज फॉर स्टार्टिंग द क्लास अब बिट डिलेड एक्चुअली आई वॉज इन अटिंग जस्ट गॉट आउट ऑफ अ मीटिंग एंड हियर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू विद अनदर पावर प्लांट दैट इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट तो यार ये हमारी सेकेंड लास्ट क्लास होने वाली है इस सब्जेक्ट की पावर सिस्टम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ओवर हो जाएगा बाकी के जो पावर प्लांट है लाइक डीजल पावर प्लांट गैस पावर प्लांट ये सब चीजें मैं आपको ब्रीफ में अगले लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं लेकिन जो तीन मेजर है थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये सब हम लोग डिटेल में करने वाले हैं तो दो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक दिस इज द थर्ड वन न्यूक्लियर सो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ माय नेम इज अंकित गोयल आई गॉट ए आई आर वन टू आईज इन गेट इन ट्वेंटी आई वॉज अवार ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल इन दर ट्वेंटी थर्टीन वेन आई ग्रेजुएटेड जानते हो बच्चों आप लेकिन वॉट मैटर्स द मोस्टर हमारे पास अन अकेडमी का सपोर्ट है जो की फ्री एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं फ्री एजुकेशन फैलाने के लिए टॉप एजुकेटर्स से यूट्यूब पे कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चे बच्चे तक ये रेवोल्यूशन पहुंच सके और जिस बच्चे के पास रिसोर्स नहीं है वो भी अपने और अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सके लेकिन यार ये जो फ्री इनिशिएटिव है ना ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अन अकेडमी ऐप तो आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से और उसके बाद किसी भी फ्री इनिशिएटिव को एक्सेस करने के लिए ताले की एक चाबी लगा देना दैट इज अंकित ई इसके अलावा मेरे बच्चों देखो अगर आप इस लिंक पे जाते हो वैसे अभी ये वाला लिंक काम नहीं करेगा तो अभी इसको स्किप करते हैं अगर आप प्लस पे आते हो तो प्लस पे आपको क्या मिलेगा इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास क्लासिव के साथ क्रैश कोर्स और ना सिर्फ इतना कंटेंट के नाम पे डेली असाइनमेंट वीकली क्विज टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और कहीं कोई डाउट रह गया तो डाउट क्लियरिंग एक सब्सक्रिप्शन में सारे बैचेस सारे ब्रांचेस ओपन अप होते हैं वन ईयर टू ईयर थ्री फाउंडेशन प्लेसमेंट इंटरव्यू पीएसयू एस एंड सेमेस्टर और इससे भी दो कदम आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक आइकॉनिक में ही सब बेनिफिट्स के साथ एक पर्सनल कोच मिलेगा जो आपका पूरा स्ट्रैटेजी प्लान बनवाएगा टीचर्स आपके साथ कंडक्ट करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करेगी सारे डाउट्स अब यहां भी बेटा अगर आप सेम कोड लगाते हो तो आपको इमीजिएटली मिलता है टेन परसेंट का डिस्काउंट ठीक है टेन परसेंट का डिस्काउंट आपको इमीजिएटली मिल जाता है इस कोड से इसके अलावा मेरे बच्चों आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर पे सब यूट्यूबल है, क्यों है क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है एक ओपन प्लेटफॉर्म है बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट ऐसे घुसाते हैं जो पढ़ने नहीं देते हैं तो फिर बेटा वहां से टीचर के लिए भी ना वो कंटेंट प्रोवाइड करना उतना ही टफ हो जाता है और जबकि जो माहौल आपको प्लस पे मिलता है वो एकदम एक सीरियस स्टडी एनवाइ होता है और वहां पे किसी भी टीचर के लिए पढ़ाना भी आसान है और बच्चे के लिए पढ़ना भी ईजी है अब हम लोग यार स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं जो बच्चे प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग स्कॉलरशिप टेस्ट में आ सकते हैं ट्वेंटी एलेवन ए एम संडे को ग्यारह बजे आप टेस्ट में आइए और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए ऐप पे कॉम्बैट में जाके आप अंकित एस कोड से एनरोल कीजिए और देखो यार अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है और इसके अगला बैच थर्टी फर्स्ट को आ रहा है जिसमें विशाल सर कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं और उस समय पे मेरा बीजेटी स्टार्ट होगा ठीक है तो अगर आपका डायोड मिस हो गया, तो बीजेटी से शुरू कर लो लोगे इसके अलावा अंकित ई कोड से देखो वन ईयर फीस आपका कितना बैठेगा ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एंड टू ईन सिक्स हंड्रेड मैं तो बेटा पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा टू ईयर के लिए जाना

चल तो मैं आपकी चैट नहीं देख पा रहा था इसीलिए मुझे थोड़ा सा रीलोड करना पड़ा सिस्टम को बेटा मैंने बता दिया एक लेक्चर बचा है कल ये खत्म हो जाएगी सीरीज ठीक है आई वॉज नॉट ऑडिबल टिल नाउ आकाश बेटा सैग मैंने जो है सैग मैंने जो है ना बेसिक बताया था कि सैग का फॉर्मूला क्या होता है कैसे आपकी क्या कहते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री ये वायर काम करती है कैसे इस सैक को रिड्यूस करती है लेकिन बिल्कुल पूरा मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन गेट और EAC के अंदर नहीं है जिसके अंदर सैक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में डील करें चलो तो यार देखो ओवरव्यू की बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर इज द ओनली ऑल्टरनेटिव विच कैन मेड द फ्यूचर पावर डिमांड मैं मानता हूं मेरे सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इस बात से अग्री करते होंगे कि न्यूक्लियर पावर बेस्ट ऑल्टरनेटिव है और जितनी भी एडवांस कंट्री है जैसे आप जापान को देखिए वहां मेजोरिटी ऑफ पावर कहां से आती है न्यूक्लियर पावर से तो बेटा ये बेस्ट है जैसे जैसे कोल खत्म होता जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सीजनल होता जा रहा है तो वहां पर बेस्ट क्या है बेस्ट क्या है फ्यूचर पावर डिमांड के लिए न्यूक्लियर पावर तो बेटा एडवांटेज क्या है यहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल जाता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल से और ये तो आप समझते हो न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर जरा सा एक बॉम्ब और कितना बड़ा धमाका तो आप ये समझ सकते हो न्यूक्लियर मटेरियल कितने कम एरिया में कितनी कम वॉल्यूम में कितनी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है कितनी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता है सर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए सीरीज कर लें बिल्कुल कर सकते हो यार मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से यहां पे भी सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जाम के मेजॉरिटी क्वेश्चन इन लेक्चर से आपके निपट जाएंगे ठीक है इन लेक्चर से निपट जाएंगे बेटा लेकिन अगर आप ये चीज सोचोगे कि मैं आपको पूरा यूनिवर्सिटी एग्जाम का बारीकी से पढ़ा दूं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट टीच फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम सेकंड ऑफ ऑल हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा 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 डिफरेंस होता है तो आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू ऑल दो यूनिवर्सिटीज उसके लिए हमारा एक अलग ही चैनल चल रहा है अन अकेडमी सेमिस्टर एग्जाम एक बार आप उसको चेकआउट जरूर कर लो है ना तो हमने सेमिस्टर एग्जाम के लिए भी चैनल बनाया था लेकिन आप इन सब लेक्चर से मेजोरिटी कोर्स कवर कर सकते हो सारा का सारा तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकती है जो इसके बाहर भी होती हूं ठीक है चल आगे चलें आप देखो एरियाज कौन से हैं मोस्ट सुटेबल न्यूक्लियर पावर के लिए वेस्टर्न यूपी बेटा नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न राजस्थान पंजाब एंड हरियाणा यहां पे आपको न्यूक्लियर मटेरियल अवेलेबल हो जाता है जिसकी वजह से जिसकी वजह से आप इजीली न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकते हो ठीक है अब इसके अलावा बेटा न्यूक्लियर पावर इज द चीपेस्ट नॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक तो चीपेस्ट हमेशा रहेगा लेकिन उसके अलावा के सोर्सेज को अगर कंपेयर करो उनमें चीपेस्ट कौन है न्यूक्लियर पावर है अब यहां पे जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की तो यहां लैंड की कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ लैंड कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर हीट एक्सचेंजर स्टीम टर्बाइन ऑल्टरनेटर ये सारे कंपोनेंट लगते हैं यार ये सारे कंपोनेंट लगते हैं ठीक है इसके अलावा एफिशिएंसी क्या होती है इसकी हाई एफिशिएंसी होती है इसकी हाई एफिशिएंसी होती है एट हाई लोड फैक्टर लोड फैक्टर हाई होने का मतलब क्या है एवरेज इज क्लोज टू मैक्सिमम है ना एवरेज और मैक्सिमम डिमांड अगर आसपास होंगी तो ये बेटा ये आपका बहुत अच्छी एफिशिएंसी देगा सुमित कह रहे हैं कि सर ये तो महंगा होगा नहीं बेटा ये महंगा नहीं होगा क्योंकि यहां एनर्जी उतनी ही ज्यादा मिलती है तो अगर आप पर यूनिट एनर्जी की बात करोगे तो न्यूक्लियर सस्ता पड़ेगा यानी कोल में अगर उतनी ही एनर्जी जनरेट करनी है तो कोल बहुत ज्यादा लगेगा बहुत ज्यादा खर्चा भी आएगा न्यूक्लियर में कम में काम हो जाएगा अब प्रवेश बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन अगर आपने ग्यारहवीं बारहवीं में न्यूक्लियर फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं देखा है तो मैं क्या बताऊं इसके बारे में लालू बेटा की चिंता मत करो मंडे से बैच स्टार्ट होगा इसी चैनल पे एलिमेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट अब देखो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा पार्ट होता है पावर प्लांट का जहां न्यूक्लियर रिएक्शन होगा कैसा न्यूक्लियर रिएक्शन होगा न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं एक होता है फिजन एक होता है फ्यूजन तो बेटा यहां पे जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं इट वर्क ऑन रिएक्शन रियक्शन में क्या होता है एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है तो वहां से एनर्जी जो रिलीज होती है क्या होता है ना देखो अगर किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल रेडियो एक्टिव मटीरियल उसे कहते हैं जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो खुद ब खुद टूट करके बाकी छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होगा जब ये टूटेगा तो उस समय पे ये एनर्जी एनर्जी रिलीज करेगा और उस एनर्जी से हम लोग पावर को जनरेट करते हैं ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है तो ये ध्यान रखना कैसा रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन फिजन मीन ब्रेकिंग ऑफ अ लार्जर न्यूक्लियस इन स्मॉलर न्यूक्लियस तो यहां पे बेटा फिजन से जो एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी रिलीज इज यूज टू तो हीट कूलेंट वाटर Which turns into steam and can run steam turbine. तो समझो यार थर्मल जैसा ही तो है थर्मल जैसा ही तो है, थर्मल जैसा कैसे है वहां पे भी पानी को गर्म करके स्टीम बनाया था और उस स्टीम से हमने टर्बाइन को चलाया था सेम चीज बच्चे यहां पे हो रही है कि यहाँ पे जो भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी जो भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी उससे पानी को गर्म करके स्टीम बनाएंगे स्टीम से स्टीम टर्बाइन को चलाएंगे जिससे जनरेटर चलेगा इलेक्ट्रिकल पावर बनेगी ठीक है अब यहाँ पे बेटा मेन फंक्शन क्या है टू कंट्रोल द एमिशन एंड ऑफ न्यूट्रॉन्स यार देखो क्या होता है ना न्यूक्लियर फिजन के जो रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन के जो रिएक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड का मतलब है जो बहुत तेजी से रिएक्शन बढ़ता जाए जिससे एनर्जी भी बहुत तेजी से ग्रो करती जाए बेटा ये होता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं जो एटम बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं यहां अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा कर देते हैं कि चारों तरफ तबाही हो जाती है लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर पावर को यूज करना है तो आपको कंट्रोल्ड रिएक्शन की जरूरत है जहां जितना एनर्जी आप चाहो सिर्फ उतना ही एनर्जी बनाओ एनर्जी अपनी मर्जी से बढ़ती नहीं चलेगी दैट इज द कंट्रोल्ड रिएक्शन तो यहां कंट्रोल्ड रिएक्शन करना पड़ता है अब न्यूक्लियर फिजन कराने में न्यूट्रॉन काम आते हैं अब जब न्यूट्रॉन काम आते हैं बेटा अगर ये न्यूट्रॉन बढ़ते गए तो रिएक्शन बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इन न्यूट्रॉन्स को आपको काबू करना है न्यूट्रॉन्स को आपको कंट्रोल करना है कि कितने न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं तो देखो यहां पे आप रिएक्टर की अगर बात करें सबसे पहले आता है रिएक्टर का का कोर इसके अंदर क्या होता है फ्यूल होती है। फ्यूल होती हैं रॉड मतलब है जो यूरेनियम आप यूज करने वाले हो उस यूरेनियम को रॉड की फॉर्म में रखा जाता है जो भी न्यूक्लियर फ्यूल होगा इट इज इन ऑफ रॉड्स ठीक है मेड ऑफ फिजाइल मटीरियल फिजाइल मटीरियल मीन मटीरियल दैट कैन अंडर गो फिजन मटीरियल दैट कैन अंडर गो फिजन ठीक है अब दे मे बी डायल्यूटेड फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ रिएक्शन डायल्यूटेड का क्या मतलब है भैया इसके अंदर इसके अंदर इंप्योरिटी मिला जाती है क्योंकि अगर एकदम प्योर यूरेनियम होगा तो बेटा रिएक्शन इतना खतरनाक होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर ही फट जाएगा सुमित बेटा ये इसलिए होता है सिर्फ न्यूट्रॉन क्यों करते हैं ऐसा नहीं है न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल बहुत कुछ करते हैं लेकिन जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन यहां यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो पर्टिकुलर रिएक्शन यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन्स की मदद से होता है तो आपने एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन उठा रखी है जहां न्यूट्रॉन से उस रिएक्शन को कराया जाता है ठीक है लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखोगे बहुत तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसके अंदर, जिसके अंदर सिर्फ, एक, जिसके अंदर सिर्फ एक आप यहां पे यूज कर रहे हो ठीक है अब यूरेनियम गेट्स ऑक्सीडाइज इजीली इसीलिए ऑक्सीडेशन ना हो इसके ऊपर क्या चढ़ाते हैं एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील या जर्कोनियम यूरेनियम के ऊपर कोटिंग देनी पड़ेगी यूरेनियम के ऊपर कोटिंग देनी पड़ेगी वरना इसके ऊपर ऑक्सीडेशन से एक लेयर जमा हो जाएगी जिसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा न्यूट्रॉन या ये कह दो तो यूरेनियम अगर यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो बेटा फिर ये फिजन नहीं दिखाएगा ठीक है तो यहां पे जो कोर है ना या तो क्यूबिकल करते हैं यूज या सिलेंड्रिकल करते हैं स्पेरिकल नहीं करते हैं तो देखो यहां पे ना आपको कोर दिखाया भी है देखना ध्यान से यहां पे कोर दिखाया है देखो ये जो लाल वाली रॉड्स है ना ये लाल वाली रॉड्स यूरेनियम की हैं ये बीच में जो ग्रे वाली रॉड है ये कंट्रोल रॉड है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करती है अब देखो यहां से जो एनर्जी जनरेट हुई ये इस पानी को गर्म करने के काम में आई जिससे क्या बनी स्टीम यहां से जो एनर्जी जनरेट हुई वो पानी गर्म करने के काम में आई आप गजब देखो दुनिया की सोच देखो न्यूक्लियर रिएक्शन से क्या कर रहे हैं जी पानी उबाल रहे हैं ठीक है न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के पानी उबाल रहे हैं ये हमारी टेक्नोलॉजी है पानी गर्म होता है पानी गर्म होकर टरबाइन पे जाता है जहां से जनरेटर पावर जनरेट करता है नितिन बेटा थोड़ा सबर करोगे तो सब आएगा ठीक है तो देखो यहाँ से कोल्ड वाटर आप पंप करते हो बेटा कोल्ड वाटर आप पंप करते हो और हॉट वाटर बाहर निकालते रहते हो क्योंकि स्टीम को कंडेंस करना पड़ेगा स्टीम को आपको कंडेंस करना पड़ेगा जिससे कि वो वापस से पानी बनेगा और वापस से इसी के अंदर फीड किया जाएगा बेटा रॉड स्पेरिकल नहीं है यहां पे कोर की बात हो रही है कोर माने कंटेनर कंटेनर क्या है कंटेनर क्या है आपका सिलेंड्रिकल है या फिर क्यूबिकल है लेकिन कंटेनर स्फेरिकल नहीं होता मतलब एक गोल बॉल नहीं होती ठीक है मॉडरेटर अब ये मॉडरेटर का, का काम क्या होता है मॉडरेटर का, का काम होता है जो न्यूट्रॉन पैदा हुए हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करना यानी न्यूट्रॉन अगर बहुत तेज स्पीड से जा रहा है ना तो बेटा हो सकता है वो फिजन ना करवा पाए फिजन करवाने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड आपको चाहिए होती है उसके लिए न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना पड़ता है और स्लो डाउन करने के लिए कहते दो रास्ते में फ्रिक्शन बनने के लिए एक मटेरियल आता है मॉडरेट मॉडरेट तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो टेन की पावर सेवन की स्पीड से निकलते हैं और इन्हें बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन ठीक है दे मे बी दे मे बी एब्जॉर्ब्ड बाई यूरेनियम सो चेन रिएक्शन में नॉट बी सस्टेन्ड यानी यूरेनियम ने अगर ये न्यूट्रॉन खा लिया तो आगे वो रिएक्शन नहीं करेगा वो लेके बैठ जाएगा जबकि हम क्या चाहते हैं न्यूट्रॉन जब टकराए तो न्यूक्लियस टूटे हम ये नहीं चाहते न्यूक्लियस रख ले चलो आगे इलेक्ट्रॉन अपनी जेब में डाल के बैठ गए ऐसे नहीं वो टूटना चाहिए वो टूटना चाहिए तो इसीलिए बेटा इनको स्लो डाउन करना पड़ता है दीज मस्ट बी स्लो डाउन टू द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स समझिए so न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए हम कौन सा मटीरियल रॉड्स अब कंट्रोल का रॉड्स का काम क्या होता है बेटा ये बनती है बोरोन कैडमियम और से. बोरोन कैडमियम और से जो कि न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेती है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया ज्यादा न्यूट्रॉन अगर पैदा हो गए तो ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शन आएंगे ज्यादा रिएक्शन से ज्यादा एनर्जी आएगी न्यूक्लियर रिएक्टर फट सकता है इसीलिए आपको क्या यूज करना होता है कंट्रोल रॉड्स का यूज करना होता है जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले ठीक है तो चेन रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग फ्यूल रॉड और एब्जॉर्बिंग और इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रॉन एब्सॉर्बिंग मटेरियल या तो भाई बीच में से आप यूरेनियम बाहर ही निकाल लो बीच में से आप यूरेनियम बाहर निकाल लो तो तो आगे रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं या फिर आप क्या करो या फिर आप क्या करो कि आप यहां पे कुछ ऐसा मटेरियल बीच में डालो जो इस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर जाए ठीक है रजत कह रहे हैं कोई स्पीड सेंसर यूज होता है क्या नहीं बेटा अगर न्यूट्रॉन के रास्ते में फ्रिक्शन है तो बाय डिफॉल्ट वो स्लो डाउन होगा हो ही होगा ना ठीक है प्लीज एक्सप्लेन डायग्राम ऑफ मॉडरेटर बेटा मॉडरेटर पूरे में फिल्ड रहता है ये पूरे में फिल्ड रहता है मॉडरेटर जैसे पानी भर दो अगर कंटेनर में तो मॉडरेटर का, का काम करेगा ठीक है तो मॉडरेटर में क्या होता है ये देखो ये जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं ना इसकी स्पीड गिरती जा रही है ये जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं स्पीड गिर रही है स्पीड गिर रही है ये एरो जो लाइट होता जा रहा है ना इसका मतलब है स्पीड गिरती जा रही है तो यहां लिखा है कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का ही काम वॉटर भी कर सकता है कूलेंट और मॉडरेटर का, का काम दोनों ही वाटर कर देता है ठीक है बेटा जो पढ़ रहा हूं पहले वो तो पढ़ा लो एक काम करता हूं तुम्हारी मर्जी का टॉपिक पढ़ा देता हूं इसे छोड़ देता हूं तुम फिर इसके बारे में पूछोगे मुझे ये समझ नहीं आता जो मिल रहा होता है वो तो तुमने फॉर ग्रांटेड ले लिया ये तो मिल ही गया अब बात करते हैं आगे की ऐसा नहीं होना चाहिए ना बेटा पहले वो तो पढ़ो अगर सब चीजों में अगला ही देखोगे तो इसको कभी सीख ही नहीं पाओगे ठीक है तो देखो यहां हमने दिखाया है ये यूरेनियम की रॉड्स हैं ब्राउन वाली बीच में ग्रे वाली कंट्रोल रॉड्स हैं जिनसे चेन रिएक्शन कंट्रोल किया जाता है अब कूलेंट कूलेंट का मतलब क्या होता है एक ऐसा मटेरियल जो कि पूरे रिएक्टर में फिल किया जाता है तो जो भी रिएक्टर के अंदर हीट जनरेट होती है वो कूलेंट एब्जॉर्व करता है तो यहां पर क्या है हीट जनरेटेड इन द रिएक्टर इज ट्रांसफर्ड टू हीट एक्सचेंजर फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन इन पावर जनरेशन तो हीट एक्सचेंजर तक कौन पहुंचाता है हीट एक्सचेंजर तक कौन पहुंचाता है कूलेंट। दीपक बेटा वाटर यूज़ यूज़ कर सकते हो। का किया एज अ मॉडरेटर दैट इज डी टू ओ ठीक है तो बेटा ये क्या करता है ये कई बार हीट होकर के स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है जिससे कि स्टीम टर्बाइन भी चला देता है तो कई बार कूलेंट खुद ही स्टीम बनाने के काम में आता है जिससे स्टीम टर्बाइन चलती है ठीक है तो यहाँ पे कूलेंट में क्या क्या हो सकता है एयर हीलियम हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस यूज हो सकती हैं या फिर लाइट एंड हैवी वाटर अमंग लिक्विड्स लाइट एंड हैवी वाटर अमंग लिक्विड्स अक्सर आप कूलेंट को ही मॉडरेटर की तरह भी यूज करते हो और मेटल्स में मोल्टन सोडियम या लिथियम इनको भी कूलेंट की तरह यूज कर सकते हो मोल्टन सोडियम या लिथियम लिक्विड मेटल्स जो हैं वो कूलेंट का काम करते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन की हीट को एब्जॉर्ब करके ठीक है और ये न्यूक्लियर रिएक्शन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि रिएक्टर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है अगर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी तो बेटा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा रिएक्टर कैन गेट डैमेज तो गैशियस भी हो सकता है कूलेंट लिक्विड भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है लिक्विड में लाइट या हैवी वाटर एच या डी लिक्विड मेटल में सोडियम या लिथियम गैसेस में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम ये सब तो बेटा ज्यादातर कूलेंट और मॉडरेटर एक ही मटेरियल की मदद से बना लिए जाते हैं अब देखो यहाँ कूलेंट के बारे में मैंने आपको दिखाया भी है ये देखो ये सारे में कूलेंट भरा हुआ है देख रहे हो पूरे रिएक्टर में ये कूलेंट भरा हुआ है पानी अब यहां बेटा जो भी रिएक्शन की हीट जनरेट होगी वो हीट से पानी गर्म होगा हीट से पानी गर्म होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम टर्बाइन पे भेज दिए ठीक है टर्बाइन से भेज दिए अब टर्बाइन पे से जो ठंडा पानी आएगा उसे अंदर भेजेंगे स्टीम को टर्बाइन पे भेजेंगे इस तरीके से कूलेंट को सर्कुलेट कराते रहते हैं टर्बाइन के साथ ना कंडेंसर भी लगा होगा तो पानी को जो स्टीम बना है उसे कंडेंस करके ठंडा करके वापिस आप रिएक्टर में डाल दो स्टीम को बाहर निकाल के टरबाइन चलाते रहो इससे दो फायदे हुए जो हीट बन रही है उससे टरबाइन भी चल गई और उससे रिएक्टर को खतरा भी नहीं पैदा हुआ रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर क्या होता है बेटा कोर के चारों तरफ ना एक कोटिंग दे देते हैं जिससे कि न्यूट्रॉन जो भी जाके टकराएगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो इससे लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन बचता है यानी जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है तो मैं ये नहीं चाहता कि न्यूट्रॉन जो है ना कंटेनर के बाहर आ जाए क्योंकि बाहर जो भी लोग हैं बाहर जो ह्यूमन काइंड है उसको नुकसान हो सकता है उस न्यूक्लियर रिएक्शन से इसीलिए हम हमेशा क्या चाहते हैं कि न्यूट्रॉन शुड रिमेन कंटेन इन साइड द वेजल इसीलिए चारों तरफ कोटिंग कैसी देते हैं रिफ्लेक्टिंग मटीरियल की जिस पे न्यूट्रॉन टकराया तो लौट के आएगा तो ये न्यूट्रॉन बाहर एस्केप नहीं कर पाएगा ठीक है और ये रिफ्लेक्टेड न्यूट्रॉन ये मेक श्योर sure करते हैं कि चेन रिएक्शन चलता रहे बेटा यहां पे वही टरबाइन यूज होंगी रजत जो आपकी स्टीम पावर प्लांट में होती है स्टीम टरबाइन ही यूज होती है यहां कुछ अलग नहीं होता अब थर्मल शील्डिंग थर्मल शील्डिंग बेटा इसलिए कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना वो बाहर ना जाए जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर ना जाए वो कंटेनर के अंदर रहे जैसे अल्फा बीटा गामा ये रेडिएशन बाहर ना जाए तो देखो यहाँ पे दिखाया भी है ये देखो ये सपोर्ट कॉलम है इसके ऊपर सपोर्ट प्लेट है जिसकी मदद से आपने यूरेनियम की रॉड्स को टिका रखा है यूरेनियम की रॉड हवा में थोड़ी लटकी रहेंगी उसको सपोर्ट देना पड़ेगा अब ये इनलेट नोजल है जहाँ से पानी जाता है आउटलेट नोजल है जहाँ से पानी बाहर आता है ठीक है अपर कोर प्लेट बैफल प्लेट लोअर कोर प्लेट ये कोर के लिए प्लेट्स दे रखी हैं, जिनसे सपोर्ट दोगे थर्मल शील्डिंग देखो यहाँ पे दिखा रखी है ये थर्मल शील्डिंग है जो रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगी एक तो देखो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्टर लगाया जो कि न्यूट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट बैक करता है बाहर नहीं जाने देता बट बाकी भी कोई रेडिएशन अगर प्रोड्यूस होगी उसे अंदर रखने का काम कौन करता है थर्मल शील्डिंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर अब नितिन अभी पूछ रहे थे मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर देखो ऐसा होता है यहां पे क्या होता है 238, 92 यूरेनियम, ठीक है इस पे जाता है एक न्यूट्रॉन इस पे जाता है आपका एक न्यूट्रॉन तो ये क्या करता है ना ये 235 यूरेनियम न्यू में टूटता है और बेटा ये तीन तीन न्यूट्रॉन्स जनरेट करता है और एक तो ओरिजिनल वाला होगा ही होगा ठीक है एक तो ओरिजिनल वाला होगा ही होगा एक तीन न्यूट्रॉन ये और पैदा करेगा तो तीन नए न्यूट्रॉन बने ना यानी एक न्यूट्रॉन ने कितने बनाए तीन तीन कितने बनाएंगे नौ नौ कितने बनाएंगे सत्ताईस इस तरह से तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मतलब है कितने न्यूट्रॉन पैदा हुए एक जनरेशन में और उससे पिछली जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन थे जैसे एक न्यूट्रॉन से तीन बने तो तीन बटे एक दैट इज थ्री अगर ये फैक्टर वन से बड़ा हुआ तो यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो चेन रिएक्शन रिएक्टर को डैमेज कर देगा वन से छोटा हुआ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घटते जा रहे हैं धीरे धीरे रिएक्शन खत्म हो जाएगा वन के बराबर हुआ तो ये क्रिटिकल रहेगा यानी उतने पे ये में रहने वाला है ठीक है तो चेन रिएक्शन कैन बी क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल ठीक है तो दिस इज द आइडियल केस दिस इज द आइडियल केस जिसे हम मेंटेन करना चाहते हैं समझ आया अब टाइप्स ऑफ रिएक्टर क्या होते हैं सबसे पहला बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यहां पे फ्यूल क्या यूज होता है एनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यहां मॉडरेटर क्या है ऑर्डिनरी वाटर यानी एच टू ओ तो ठीक है फीड वाटर एंटर्स द वेजल एट बॉटम टेक्स हीट प्रोड्यूस एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम देखो यहां से पानी गया पानी गया ये पानी क्या हुआ ये पानी बेटा जब इस रिएक्टर के अंदर गया तो यह स्टीम में कन्वर्ट हुआ ये स्टीम में बना ठीक है अब जब ये स्टीम में बना जब ये स्टीम में बना तो ऐसे स्टीम निकल गई और यह टरबाइन पे जाके टरबाइन को रोटेट कराएगी ठीक है तो फीड वाटर नीचे से एंटर करा के हम क्या करते हैं टरबाइन तक उसे स्टीम बना के पहुंचाते हैं ठीक है तो पानी नीचे से घुसता है और ऊपर से स्टीम बन के निकलता है अगला प्रेशराइज वाटर रिएक्टर यहाँ एनरिच्ड यूरेनियम ऑक्साइड को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है और इसके ऊपर कवरिंग दी जाती है जर्कलॉय दैट इज जर्कोनियम जर्कोनियम का एक एलॉय से कोटिंग दी जाती है ठीक है संखा बेटा ये किसने बोला इंडक्शन मशीन की स्टेबिलिटी नहीं पड़ते बिल्कुल पड़ते हैं एक बार जाके देखो टॉर्क स्पीड कर्व में ठीक है अब वाटर अंडर प्रेशर यहाँ पे प्रेशराइज वाटर को कूलेंट और मॉडरेटर का, का काम कराते हैं जैसे पिछले में तो एक नॉर्मल रिएक्टर था बी रिएक्टर पिछले में तो नॉर्मल वाटर एक कूलेंट था इस बार कौन है कूलेंट प्रेशराइज वाटर जिस वाटर का प्रेशर हाई है अब देखो हॉट वॉटर फ्रॉम द रियक्टर फ्लोज टू दीट एक्सचेंजर हॉट वॉटर हीट एक्सचेंजर में जाता है जहां से हीट इसकी ट्रांसफर कर दी जाती है टू द फीड वाटर टू जनरेट स्टीम तो देखो यहां पे दिखाते हैं देखो ये आपका क्या है ये रिएक्टर है पूरा ये पूरा रिएक्टर है यहां पे आपका पानी आ रहा है यहां पे आपका पानी आ रहा है तो ये जो हॉट वाटर है यहां पे हॉट वाटर है ये देखो ये इन रॉड्स में फ्लो कर रहा है ये इन रॉड्स में फ्लो कर रहा है और ये है आपका फीड वाटर ये जो डार्क ब्लू वाला दिख रहा है ना ये है फीड वाटर यानी डायरेक्टली इस पानी को स्टीम में नहीं कन्वर्ट किया ठीक है इस पानी को स्टीम में कन्वर्ट नहीं किया बेटा आपने क्या किया इस पानी से दूसरे पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट किया जिससे टर्बाइन को रोटेट कराया ठीक है द सेकेंडरी कूलिंग ऑपरेट एट लो प्रेशर द प्राइमरी कूलेंट देन फ्लोज फ्रॉम हीट एक्सचेंजर टू प्राइमरी सर्कुलेटिंग पंप विच बैक टू रिएक्टर तो बेटा यहाँ पे दो कूलिंग है एक तो ये जो पानी स्टीम बनाया एक सेकेंडरी कूलिंग भी होती है जो पानी को और ठंडा करती है उसके बाद इसे वापस रिएक्टर में डाला जाता है यानी जो आपका पानी गर्म हुआ है उसे एक स्टेप में ठंडा नहीं करेंगे एक बार तो ठंडा करोगे फीड वाटर की मदद से एक और सेकेंडरी कूलिंग दोगे जिसके बाद उसे वापिस किस में डालोगे रिएक्टर के अंदर अब ये जो स्टीम आ रही है आपकी जो जनरेटर से आजाद होगी टर्बाइन से आजाद होगी उसे कंडेंसर से कंडेंस करके वापस किस में डाल दोगे फीड वाटर में वापस किस में डाल दोगे फीड वाटर में तो देखो स्टीम बन रही है फीड वाटर से और हॉट वाटर एक कूलेंट का, का काम कर रहा है तो कूलेंट वाला पानी और स्टीम बनाने वाला पानी यहां अलग अलग है ठीक है ये बात क्लियर हो गई और ये जो पूरा बक्सा दिख रहा है ना बीच में लंबा सा खड़ा हुआ ये आपका है हीट कंड हीट एक्सचेंजर यह है आपका हीट एक्सचेंजर जहां हमारा कूलेंट वाला वाटर और फीड वाटर अपनी हीट को एक्सचेंज करते हैं ठीक है गैस कूल्ड रिएक्टर नाम से ही समझ आ गया होगा नाम से ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कूलेंट की तरह किसे यूज करेंगे गैस तो इट एम्प्लॉयज गैस एज अ कूलेंट इंस्टेड ऑफ वाटर और यहां पे ग्रेफाइट को मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है तो बेटा यहां पे जो गैस आप कूलेंट की तरह यूज कर रहे हो उस गैस को उस गैस को आप किसके थ्रू फ्लो कराओगे हीट एक्सचेंजर के हीट एक्सचेंजर के तो गैस जो गर्म हो गई गैस जो गर्म हो गई उस गैस को आप किस में फ्लो करा सकते हो हीट एक्सचेंजर में और हीट एक्सचेंजर वहां से पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करेगा स्टीम फिर किसे चलाएगी टरबाइन को एक बार देखें देखो ये रिएक्टर कोर है अच्छा ये देखो इंसान के मुकाबले साइज इतना होता है रिएक्टर का इंसान के मुकाबले अब देखो ये रिएक्टर कोर है बेटा रिएक्टर कोर से हम क्या कर रहे हैं रिएक्टर कोर से मेरे ख्याल से ये वाला गैस का नहीं दिखाया है हीलियम है यहां पे हमारी अच्छा ये देखो ये रहा गैस ये हीलियम जो है ना यहां से जा रही है ये हीलियम किस में जा रही है रिक्यूपरेटर में रिकूपरेटर क्या करेगा यहाँ पे ये वाटर को हीट करेगा और फिर ये स्टीम बना के टर्बाइन को चलाएगा यहाँ से जो वाटर स्टीम बनेगा ना वही टर्बाइन को रोटेट कराएगा समझ रहे हो रजत पूछ रहे हैं मुझे पढ़ाने में किस में मजा आता है व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड बेटा डिजिटल बोर्ड ऑब्वियसली नंबर ऑफ कलर्स ज्यादा होते हैं हैंड राइटिंग मेरी एक ही जैसी आती है यहाँ डायग्राम एनिमेशन दस चीजें यूज हो सकती हैं व्हाइट बोर्ड में कुछ भी नहीं अब यही सोचो ना ये सब डायग्राम हाथ से थोड़ी बना के दिखाऊंगा अगला हैवी वाटर कूल्ड एंड मॉडरेटेड टाइप कैंडियो बोलते हैं ठीक है कैंडियो बोलते हैं हैवी वाटर कूल्ड एंड मॉडरेटेड टाइप सो कैंडियो का मतलब क्या है कैनेडियम ड्यूटेरियम एंड यूरेनियम यूरेनियम तो फ्यूल हो गया और ड्यूटेरियम यानी डी टू ओ क्या हो गया कूलेंट और मॉडरेटर तो नाम में ही रहस्य छुपा है कि इसके अंदर कौन कूलेंट और मॉडरेटर है तो यहाँ बेटा कूलेंट और मॉडरेटर हैवी वाटर होता है तो यहाँ पे हैवी वाटर हाइड्रोजन आइसोटोप का यूज़ करते हैं ड्यूटेरियम का ठीक है जिसके अंदर मैक्सिमम टू हैव मैक्सिमम न्यूट्रॉन इकोनमी एंड कूलेंट आल्सो ठीक है मैक्सिमम न्यूट्रॉन इकोनॉमी का मतलब है जितने न्यूट्रॉन आजाद हो रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन में हिस्सा लें क्योंकि जो न्यूट्रॉन तेज बह गया वो न्यूट्रॉन यूरेनियम एब्जॉर्ब कर लेता है फिर वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं कराता लेकिन आप चाहोगे अगर चार न्यूट्रॉन पैदा हुए तो वो चार रिएक्शन में बने रहें उसके लिए उसके लिए आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको इनको स्लो डाउन करना पड़ेगा जिसके लिए मॉडरेटर लगेगा ठीक है कंट्रोल रॉड आर नॉट रिक्वायर्ड एज रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ मॉडरेशन यहां कंट्रोल रॉड नहीं होती ज़्यादा फ्रिक्शन देके न्यूट्रॉन को स्लो डाउन कर दोगे तो रिएक्शन के अंदर नहीं हिस्सा लेगा अगर आपका स्पीड ठीक रहेगा एक गैस मॉलिक्यूल के लेवल पर रहेगा तो हिस्सा लेगा तो लेवल ऑफ मॉड्रेशन से आप कंट्रोल कर सकते हो कितना रिएक्शन करना है हैवी वाटर हैज़ वेरी लो एब्जॉर्बन क्रॉस सेक्शन बहुत लो एब्जॉर्बन क्रॉस सेक्शन होता है और ये मॉडरेटर का काम कर सकता है इसके लिए फ्यूल को एनरिच करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है इसके लिए फ्यूल को एनरिच करने की ज़रूरत नहीं है हाँ बेटा आज कुछ सेटिंग चेंज किए हैं अन अकेडमी वालों ने और मेरा पेज जो है ना अन अकेडमी के अकाउंट से बना हुआ था इस वजह से मेरे पेजेस में दिक्कत आ रही है आई विल फिगर इट आउट वेरी वेरी सून एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक अगेन ठीक है और बेटा देखो जितना गेट ई के काम का है उतना मैं कवर करूंगा इसके अंदर अगर कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि कॉलेज लेवल की भी तैयारी यहीं से हो जाए मैं अगेन बता रहा हूं उतना डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं ठीक है लिक्विड मेटल कूल्ड रिएक्टर नाम से समझ आ रहा है यार यहां पे क्या होता है दे हैव अ गुड थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड मेटल जो है ना हीट बहुत तेज एब्जॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर भी इजिली ले सकता है तो यहां सोडियम को सर्कुलेट कराते हैं देखो जैसे यहाँ पे क्या है ये रिएक्टर कोर है और ये सोडियम है ये जो लाल वाला है ना ये सोडियम है अब ये सोडियम आपने हीट एक्सचेंजर में डाला हीट एक्सचेंजर के अंदर जब आपने ये सोडियम डाला तो यहां पे बेटा क्या हुआ यहां से सोडियम गया स्टीम जनरेटर में ये वाला जो नीला पाइप है ना इसके अंदर वाटर है ये जो नीला पाइप है इसके अंदर वाटर है तो देखो सोडियम के लिए ना दो हीट एक्सचेंजर लगे हैं दो हीट एक्सचेंजर एक तो ये है और दूसरा स्टीम जनरेटर के नाम से है दूसरा क्या है स्टीम जनरेटर के नाम से है तो स्टीम जनरेटर में जब सोडियम गया तो पानी का स्टीम बनाया जो टर्बाइन को रोटेट कराएगा ठीक है अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यहां पे बेटा स्मॉल रिएक्टर होता है जहां एनरिच यूरेनियम और प्लूटोनियम बिना किसी मॉडरेटर के रखा जाता है ये छोटा रिएक्टर होता है फास्ट ब्रीडर तो यहां लिक्विड मेटल से कूलिंग की जाती है और न्यूट्रॉन शील्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय बोरोन वाटर और ग्रेफाइट ठीक है न्यूट्रॉन शील्डिंग माने न्यूट्रॉन बाहर ना जाए उसके लिए क्या यूज करते हो बोरोन लाइट वाटर या फिर ग्रेफाइट और गामा शील्डिंग यानी गामा क्या होते हैं फोटोस फोटोस के अगेंस्ट शील्डिंग किससे मिलती है लेड या कंक्रीट से तो देखो यहां पे लिक्विड सोडियम यूज करोगे तो बयालीस परसेंट फोर्टी तक की एफिशियंसी है किसी और कूलेंट से अट्ठाईस तो बेसिकली अगर आप देखो यार ये अलग अलग रिएक्टर्स के अंदर सिर्फ कूलेंट ही तो हम बदल रहे हैं कूलेंट ही तो बदल रहे हैं तो अगर आपको बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म और कूलेंट याद रहता है तो आप जानते हो कौन सा रिएक्टर कैसा है अब देखो न्यूक्लियर फ्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं यूरेनियम 235 थर्टी फाइव एनरिच्ड यूरेनियम प्लूटोनियम यूरेनियम टू अब देखो न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाया है कि न्यूट्रॉन जब यूरेनियम टू थर्टी फाइव में जाता है तो सीजियम बनाता है बनाता है तीन न्यूट्रॉन पैदा करता है तीन न्यूट्रॉन पैदा करता है तो न्यूक्लियस जो है यूरेनियम का दो हिस्सों में बट गया और तीन न्यूट्रॉन पैदा कर दिए तीन न्यूट्रॉन पैदा कर दिए ठीक है तो अब देखो यहां पे क्या है नेचुरल यूरेनियम है और ये एनरिश्ड यूरेनियम है ये एनरिश यूरेनियम कैसे बना आपने यूरेनियम को ना पहले गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यूरेनियम को गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज थी वो इम्प्योरिटीज़ अलग अलग एटम की फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगी अलग अलग हो जाएंगी अब वो अलग अलग होने के बाद अब ये जो यूरेनियम के एटम है इन्हें वापस से कंडेंस करके आप क्या बना लोगे एनरिच्ड यूरेनियम चेतन बेटा उस स्टीम को हम कंडेंस करके पानी बनाते हैं फिर वापस से उसे हीट करते हैं ठीक है समझ में आया तो हमने यूरेनियम को गैसेस में कन्वर्ट किया उसके अंदर की इंप्योरिटीज अलग हट गई फिर हमने उसे कंडेंस करके वापस क्या बना लिया यूरेनियम एनरिच्ड प्लांट साइट कैसे सिलेक्ट करोगे अब भाई देखो जहां भी स्टीम की बात आती है वहां पानी का सप्लाई तो चाहिए तो अवेलेबल फ्रॉम वाटर सप्लाई और बेटा ये पॉपुलेटेड एरिया में नहीं लगा सकते क्योंकि रेडिएशन का खतरा है जान मान की हानि हो सकती है इसलिए डिस्टेंस पे रखना है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भैया फ्यूल वगैरह लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए लोड के करीब होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कम रहे ठीक है स्पेस होनी चाहिए वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है ना ये ग्रेफाइट के कंटेनर्स में बंद करके समुद्र के तले पे डाल दिया जाता है तो ये वेस्ट डिस्पोजल के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए एक्सेसिबिलिटी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंच पाओ वहां रोड बनी हो वहां ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो लैंड कैसा है भाई उस कंस्ट्रक्शन हो पाएगी यानी एडवांटेजेस क्या है भाई कम फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है लेस एरिया लगता है ठीक है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है क्योंकि कोई बहुत बड़ा चौड़ा फ्यूल तो नहीं है ठीक है यहां पे क्या है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम आएगी मोस्ट इकोनॉमिकल है ज्यादा पावर कम पैसे में मिलती है और न्यूक्लियर फ्यूल्स के लार्ज डिपॉजिट हैं पूरे दुनिया भर में जिनका यूज कर सकते हैं रजत बेटा मैं शाम को साढ़े छह बजे लेता हूं प्लान गेट पे नेटवर्क की क्लास अभी सवा छः चल रही है ड्रॉबैक क्या है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है भैया प्लांट इतना इजीली कंस्ट्रक्ट नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्टर का खर्चा ज्यादा है ठीक है यहां रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है यहां जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन पैदा करेंगे अलग अलग लोड के लिए भैया नहीं चला सकते क्यों नहीं चला सकते ये बेस लोड में ही चलेगा क्योंकि मान लो लोड बढ़ा अब आप कहो भाई यूरेनियम बढ़ा दो तो एक खतरा है कि चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो आप अलग अलग लोड पे नहीं चला सकते आप कांस्टेंट लोड पे इसको रन कीजिए ठीक है फ्यूल काफी महंगा होता है और फ्यूल रियूज नहीं हो सकता मेंटेनेंस चार्जेस बहुत हाई हैं और बेटा कूलिंग इसकी बहुत हैवी चाहिए होती है क्योंकि बहुत हीट पैदा करता है तो कूलिंग इज वेरी वेरी हैवी अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इज लेस देन थर्मल पावर प्लांट ट्रू या फॉल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट थर्मल की ज्यादा है या न्यूक्लियर की ठीक है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं चलो भाई बताओ अरे बोलो भाई ट्रू या फॉल्स ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो रही है ना कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की ध्यान देना जल्दी बोलो ट्रू बहुत ही बढ़िया ठीक है यहां ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है अगला द लैंड एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट मोर देन थर्मल लेस देन थर्मल इक्वल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बताओ जरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एरिया ज्यादा लगता है या कम लगता है थर्मल से बोलो भाई क्या है ज्यादा कम बराबर या कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा अभी बताया था इसका आंसर लेस देन थर्मल ये कम जगह खाता है ये अभी हमने एडवांटेज में देखा ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कितनी है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्दी बोलो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है भाई और इस पे देखो कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा क्या आएगा सी थर्टी टू फोर्टी परसेंट बढ़िया मैंने बताया था ना फोर्टी परसेंट भी आ सकती है चलो बहुत ही बढ़िया वेस्ट मटीरियल इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हो बोलो जल्दी से बताओ कंट्रोल करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हो जल्दी बताओ भाई कम ऑन एवरीबडी सी बोरोन का यूज करते हैं ठीक है नितिन बेटा हैवी वाटर मॉडरेटर का काम यूज करता है बोरोन करता है आपका कंट्रोल का रॉड का काम ठीक है

इसके अलावा आइकॉनिक पे जाओगे तो अंकित से वन ईयर फीस होगा फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू ईयर सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड टू ईयर के लिए जाओ पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन ई एम आई विदाउट इंटरेस्ट और देखो ये है मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल मुझे फॉलो कर लेना और यहाँ पे आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हो ठीक है इसके अलावा यार ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई स्लैश गेट ए आई आर वन जहाँ पर आपको लेक्चर नोटिफिकेशन मिलते हैं इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अंकित गेट के नाम का और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो विदी एस एस जी आई आई टी सो थैंक यू एवरी वन लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना यार कल बच्चों हम मिलेंगे साढ़े नौ बजे और बाकी के पावर प्लांट्स को ब्रीफ में हम लोग कवर करेंगे दैट इज गैस डीजल ये सब चीजें करेंगे ब्रीफ में कवर करेंगे ठीक है ना तो ये मैं आपको कराने वाला हूँ कल रात साढ़े नौ बजे थैंक यू